फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था हेश को हम बोल ये जो सिंबल हमने यूज़ किया इसको हम हेश या पाउंड बोलते हैं। इंक्लूड क्या है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं सब में हम क्या लगाते हैं? शुरू में हेश लगाते हैं। तो बहुत सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं और ये सब क्या है? प्री डिफाइंड है। सबका अलग अलग वर्क होता है। तो हमने देखा था इंक्लूड का वर्क क्या होता है, हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना। तो इस प्रोग्राम में हमने दो हेडर फाइल्स यूज़ की हैं, stdio.h, conio.h। तो वो फाइल जिसमें भी डॉट के बाद एच लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं? हेडर फाइल बोलते हैं। और हेडर फाइल के अंदर क्या होते हैं? पहले से बने हुए फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है। ये सारे फंक्शंस हैं जिसमें भी आप देख रहे हो ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे भी आप ये ब्रैकेट्स देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस बोलते हैं, या फिर जनरली हम इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये जो ब्रैकेट्स जहाँ पे ये पैरेंथेसिस आप देख रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं? फंक्शंस हैं। clrscr भी एक फंक्शन है, printf भी एक फंक्शन है, getch भी एक फंक्शन है। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, मतलब जिनका वर्किंग पहले से डिफाइन किया हुआ है। और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। जो फंक्शंस हम खुद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और जो फंक्शन पहले से बने हुए हैं उसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो clrscr, printf, getch, ये तीनों क्या हैं? पहले से बने हुए फंक्शंस हैं। printf बना हुआ है stdio.h के अंदर, clr getch का डिक्लेरेशन होता है कोनियो के अंदर। तो अगर मुझे ये तीनों फंक्शन यूज़ करने हैं तो मुझे ये दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी। और ये जो मेन फंक्शन है, मेन एक स्पेशल फंक्शन है, ये पहले से बना हुआ नहीं है। जो फंक्शन पहले से बना हुआ नहीं है तो उसकी हम क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। आप देख रहे हैं ये मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब इसका वर्किंग मैं खुद बता रहा हूँ। और जो पहले से बना हुआ है तो उसमें आप देख रहे हैं मैंने क्या लगा दिया है? लास्ट में सेमी कॉलन लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, दो हेडर फाइल हमने यूज़ किए हैं, stdio.h एंड conio.h। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि stdio.h क्या होता है, conio.h क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ पार्ट में यहाँ से अब रफ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, फिर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख दूँगा। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले stdio.h। फ्रेंड्स, stdio.h एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल आपके सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से आपको मिलती है। हेडर फाइल्स को वही कंपनीज बनाती हैं जो आपके लिए CC++ के सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, मतलब IDEs बनाती हैं, ठीक है। तो stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। stdio.h का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब ये जो है दो वर्ड्स से मिलके बना है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट हम बोलते हैं कीबोर्ड को। कीबोर्ड क्या है? एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है, और मॉनिटर एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर मतलब जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। तो ये हेडर फाइल आपको सपोर्ट देती है, कुछ ऐसे फंक्शंस देती है जिससे आप कीबोर्ड से डेटा यूज़र से इनपुट करवा पाओ या मॉनिटर पे आउटपुट को डिस्प्ले करवा पाओ। तो इसके अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, एक होता है scanf और दूसरा होता है printf, ठीक है। एक इसमें फंक्शन होता है scanf नाम का और दूसरा होता है printf नाम का। सो फ्रेंड्स, scanf का वर्क क्या है वो हम देखते हैं। यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग यूजर इनपुट वाया कीबोर्ड। अगर आपको कीबोर्ड की मदद से यूज़र से कुछ डेटा इनपुट करवाना है तो आप scanf फंक्शन का यूज़ करते हो, और printf को हम यूज़ करते हैं ताकि हम मॉनिटर पे कुछ आउटपुट को डिस्प्ले कर पाएं। यूज्ड फॉर डिस्प्ले, यूज्ड फॉर डिस्प्ले सम टेक्स्ट ऑन मॉनिटर। अगर मॉनिटर पे आउटपुट विंडो पे आपको कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले सम टेक्स्ट ऑन मॉनिटर, तो मॉनिटर पे अगर कुछ प्रिंट करवाना है तो आप printf का यूज़ करते हो। तो ये हेडर फाइल आपको सपोर्ट देती है इनपुट का और आउटपुट का। तो इसमें ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। फिर हम बात करते हैं conio.h की। सो फ्रेंड्स, stdio.h आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम conio.h डिस्कस करते हैं। नोट्स आप मेरे साथ बनाते जाइए, तो आपको किसी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी आप डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर
व्हाट्सएप पे आप मुझे स्क्रीनशॉट्स शेयर कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो आपको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं conio.h को। conio का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कंसोल का मतलब क्या होता है। कंसोल क्या है? एक आउटपुट विंडो है। कंसोल का मतलब होता है आउटपुट विंडो। इस प्रोग्राम को चलाने के बाद जो ब्लैक कलर की विंडो आती है उसको हम बोलते हैं कंसोल विंडो, और जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स विंडो। सो फ्रेंड्स, conio.h आपको कुछ ऐसे फंक्शन देती है जिससे आप कंसोल विंडो को मैनेज कर सकते हो। जैसे इसमें फंक्शन होता है clrscr, getch, टेक्स्ट कलर, गो टू एक्स वाई। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शंस के नाम लिख दिए हैं। अब इनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ।